say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Hello everyone, welcome back to my channel. So we are going to Manali. So for that, हम लोगों ने ली है पुणे से दिल्ली की फ्लाइट और उसके बाद हम लोग अगली जर्नी आपको अपडेट करेंगे. So stay tuned. Hello. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग जा रहे हैं मनाली. उसके लिए हम लोगों ने लिया था पुणे से दिल्ली फ्लाइट और अभी हम लोग आ गए दिल्ली एयरपोर्ट. अब यहाँ से आगे हम मनाली जाएंगे बाय ट्रैवलर. सो हम आगे का सफ़र आपको अपडेट करेंगे. सो स्टे ट्यून. हमारा टोटल 10 लोगों का ग्रुप था मनाली ट्रिप के लिए. तो हम 6 लोगों का फ्लाइट सेम था और 2 लोगों का अलग से था. तो हम उनका वेट कर रहे थे. तो तब तक हमने कुछ वीडियोस बनाई और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए यहाँ पे. और 2 लोग हमें दिल्ली से ही ज्वाइन करने वाले थे. तो ऐसे हम 10 लोग जाने वाले थे मनाली. इस ट्रिप का सबसे पहला स्पॉट था हमारा कसोल. तो हमें दिल्ली से कसोल पहुंचने में कुछ 14 आवर्स लगने वाले थे. तो उस बीच का हम कुछ शूट नहीं कर पाए. पहुंचते ही हम लोग चले गए थे पंजतारा कैफ़े एक्सप्लोर करने. कसोल में हम जिस जगह रुके थे मैं आपको वो जगह थोड़ी दिखा देती हूँ. तो हम लोग रुके थे गोस्ट ऑफ्स हॉस्टल में. तो आप इनकी वेबसाइट से भी बुक करवा सकते हो बट इट बेटर कि आप उनके नंबर पे कॉल करके वहाँ पे रूम बुक करवाओ क्योंकि आपको प्राइस भी कुछ अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पे. और इनके रूम्स वगैरह भी अच्छे ही थे. फैसिलिटीज़ भी हमको अच्छी प्रोवाइड कराई गई थी यहाँ पे. तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था. 1 नाइट के लिए हमने बुक किया था यहाँ पे कसोल में. तो आप अपके अकॉर्डिंग डोरमेट्रीज बुक करवा सकते हो. 10 लोगों के लिए भी करा सकते हो या 4 लोगों का आपका ग्रुप है गर्ल्स का तो आप अलग से ऐसे बुक करवा सकते हो. तो अगर आपको कुछ इंडोर गेम्स यहाँ पे खेलना है तो आप वो भी यहाँ पे खेल सकते हो. वो बहुत सारे ऑप्शंस आपको इंडोर गेम्स के यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा रूम प्रोवाइड कराते हैं. तो यहाँ पे आके आप लोग अपना गेम्स वगैरह खेल सकते हो. और या आपको वर्क फ्रॉम हॉस्टल करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो. वो लोग वाईफाई भी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं. तो यहाँ पे प्रोजेक्टर भी वो लोग देते हैं. अगर आपको बैठ के यहाँ पे मूवीज़ वगैरह देखनी है तो वो भी आप यहाँ पे बैठ के देख सकते हो. और ये उनका बैकयार्ड वाला एरिया है. यहाँ पे आप लोगों को धूप वगैरह इन्जॉय करनी है दिन में तो आप यहाँ पे आके भी बैठ सकते हो. या रात में आपको बॉनफायर वगैरह करना है तो यहाँ पे आप लोग वो भी कर सकते हो. तो ओवरऑल हमारा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था यहाँ पे गोस्ट ऑफ हॉस्टल में. और 1 नाइट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था हमारे लिए. तो ये था हमारा डे 1 इन हिमाचल. सो नेक्स्ट व्लॉग्स में हम हमारी आगे की जर्नी आपको अपडेट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग.